थाने में गत रात्रि दो मुकदमे दर्ज हुए, जिसका सागवाड़ा पुलिस टीम ने 12 घंटे में खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया। दो अलग अलग मामले में दर्ज हुई रिपोर्ट के मुताबिक सैलोता निवासी गट्टूलाल पाटीदार ने घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोरी होना बताया, तो वहीं दूसरी ओर सागवाड़ा निवासी मयंक सेवक ने लोहरिया तालाब पर स्थित पावापुरी तीर्थ में निर्माणाधीन मंदिर से कैमरे चोरी होना बताया। इन दोनों मुकदमों में पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर कुंदन कावरिया द्वारा जिले में चोरी और नकबदी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरेश सावरिया अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक एवं विक्रम सिंह व्रताधिकारी सागवाड़ा के निकट सुरविजन में थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में टीम गठित की गई और अज्ञात अपराधी का शीघ्र पता लगाकर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। टीम द्वारा सरगर्मी से तलाश शुरू हुई, मुखबिरों से संपर्क किया गया और आसपास के कैमरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सागवाड़ा पुलिस टीम के द्वारा अथक प्रयास करने के बाद प्रकरण दर्ज होने के 12 घंटे के भीतर उक्त दोनों वारदातों का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम की सजगता और कार्यकुशलता के परिणाम से 12 घंटे के भीतर दोनों वारदातों में अपराधियों को गिरफ्तार करके ट्रैक्टर और कैमरे भी जब्त कर लिए गए। वंदे भारत से मनोज चौबीसा की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महावीर जयंती